हेलो एवरीवन, मैं हूं उज्ज्वल। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर नया वीडियो लेके आया हूं, जो कि BNB कॉइन के ऊपर है। इधर आपने देखा, दो चार दिनों में BNB ने काफ़ी अच्छी उछाल लगाई थी प्राइस में, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने वोटिंग भी आपसे करवाई थी, जिसमें से 90% लोगों का मानना है कि $50 तक BNB का प्राइस जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स भी मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तो एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगी। और एक सिंपल से चार्ट में किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किस तरह से प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिल सकती हैं। क्योंकि एजुकेशन लर्निंग हमेशा से ही काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। जितना हम ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को एजुकेट करेंगे उस इंडस्ट्री में, उस काम में, हम उतने ही मंझे हुए खिलाड़ी बनते चले जाएंगे। आप यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट करने, ट्रेडिंग करने। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप सीरियस होकर अगर आप सीखेंगे मार्केट को, एजुकेशन लेंगे, तो एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप भी ह्यूज इनकम यहाँ से ले सकते हैं। मेरा पर्पस दोस्तों यही है कि आप अच्छे से सीखें, क्योंकि ये चैनल दोस्तों ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आपका लॉस मिनिमाइज हो सके और प्रॉफिट हाई हो सके। इसलिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आप मुझे ज्वाइन कीजिए और मुझसे वहाँ पे 1-to-1 चैट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तमाम लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, सभी अपने अपने सवाल मुझसे पूछते रहते हैं और मुझसे जो भी हो सकता है मैं सभी की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने, कोई पेड ग्रुप नहीं है। प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, तमाम वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इसे तमाम दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये लर्निंग एजुकेशन सभी के पास पहुंचनी चाहिए, सभी बंदों की हेल्प हो जो इस मार्केट में नए हैं, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो भी कुछ सीख के, वो भी कुछ अच्छा करें, वो भी कुछ अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। तो ऐसे ही दोस्तों एक दूसरे के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं प्रॉपर एक एक चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो आपकी, तो बहुत लेट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक और सीधे चलते हैं चार्ट पे और देख लेते हैं BNB की प्राइस को। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं BNB USDT के चार्ट पे। ये बाइनेंस का चार्ट है और हम लोग डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप चार्ट देख रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा चार्ट है। मैंने इसमें कोई भी इंडिकेटर, किसी भी तरह का कोई टूल्स कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल प्लेन है। सिर्फ आपको एक लाइन दिख रही होगी जो कि 200 का मूविंग एवरेज है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो ये लगा हुआ है। तो 200 का मूविंग एवरेज से दोस्तों काफ़ी कुछ पता चलता है कि मार्केट में अभी तेज़ी है, कि मार्केट में मंदी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो 200 का मूविंग एवरेज हमें पूरी कहानी बता देता है। अभी फ़िलहाल जो आपको सामने चार्ट दिख रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्राइस 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी हम लोग काफ़ी ऊपर हैं, तो आगे प्राइस ऊपर की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं, तो इससे हमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि एक्चुअल में कैंडल्स की मूवमेंट किधर है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था, चार्ट को रीड करने से पहले क्या क्या चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए, सबसे पहली जो बात है वो आपको देखना है ट्रेंड। जब आप ट्रेंड फाइंड आउट कर लेते हैं प्रॉपर, आपको पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्रेडिक्शन, यानी कि हमें प्रिडिक्शन करना होता है कि हमने ट्रेंड पता कर लिया, अब हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है,
को रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बनना है, तमाम ऐसी चीज़ें हमें प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। और जब हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं एक बार, तो नेक्स्ट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है, मतलब हमें बाइंग की तरफ जाना है या जो फ्यूचर वगैरह करते हैं वो सेलिंग करना चाहेंगे। उसके बाद आप सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपका लास्ट स्टेप क्या होता है, एग्जीक्यूशन। आप सबसे पहले आपने ट्रेंड फाइंड आउट किया, उसके बाद आपने प्रेडिक्शन किया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको क्या करना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन किया कि किस लेवल पे हमें एंट्री लेनी है, किस लेवल पे हमें एग्जिट होना है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम चार्ट को रीड करते हैं, जब भी स्टडी करते हैं किसी कैंडल्स के प्राइस को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैंडल्स को स्क्वैश करके देखेंगे, तब हमें क्लियरिटी मिलेगी मार्केट के मूवमेंट की। तो हम कैंडल को पहले स्क्वैश कर देते हैं। तो अभी तक दोस्तों जब हम मार्केट देख रहे थे तो हमें प्राइस का मूवमेंट नहीं दिख रहा था कि मार्केट किस दिशा में जा रहा, क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। जब हमने स्क्वैस किया तो आपको सामने बिल्कुल मूवमेंट क्लियर हो गई कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में गया, वहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ अप ट्रेंड हुआ, फिर नीचे डाउन ट्रेंड में आया और फिर अप ट्रेंड हो गया। तो अब हमें चार्ट को एनालाइज करने में आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज का रोल, आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस मूव कर रहा था तो यहाँ पर मंदी का दौर था, यानी कि प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही थी, प्राइस वीक था। जैसे ही हम इसके ऊपर आ जाते हैं, आप देख रहे हैं प्राइस में एक तेज़ी से उछाल आया, प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया, हम 200 के मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर चल रहे हैं और स्ट्रांगली ऊपर चलते चले जा रहे हैं, यानी कि हम तेज़ी के दौर में चल रहे हैं। जब यहाँ फिर से उसने 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर हम मंदी के दौर में आ गए, फिर हम नीचे आ गए, फिर हम गिरावट के साथ आ गए, फिर यहाँ से क्रॉस किया प्राइस ने, फिर नीचे डाउन ट्रेंड में आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि हम 200 के मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब दोस्तों हम इसमें चार्ट में हमको देखना है ट्रेंड पहले समझना है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो ट्रेंड के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दो पार्ट हमें करने पड़ेंगे। ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं इसके अंदर हमें दो पार्ट दिखाई दे रहा है, वो मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन से आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से। तो जैसे हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो चैनल ड्रॉ हुआ है वो डिसेंडिंग चैनल कहते हैं, यानी कि इसे आप फ्लैग भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं ये फ्लैग, ये स्टिक जा रही है और ये एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है और एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ से चैनल ने ब्रेक किया। देख रहे हैं इस जगह पर चैनल ने ब्रेक किया, क्योंकि डिसेंडिंग चैनल था, बुलिश चैनल था, पुलिस फ्लैग था, तो यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया और यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया कुछ टाइम, उसके बाद यहाँ पे हाई मार दिया। तो देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइस का ट्रेंड चेंज हुआ, यानी कि डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ प्राइस का और उसके बाद प्राइस बिल्कुल ऊपर निकल गया। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि प्राइस इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ प्राइस नीचे ड्रॉप हो गया। एक पोर्शन हमारा ये हो गया। दूसरे पोर्शन की अगर दोस्तों बात करें, जो करंट सिचुएशन में अभी पोजीशन है वो देख लेते हैं। फिर से हम लोग एक चैनल ड्रॉ करेंगे, इस लेवल से ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन।
तो दोस्तों दूसरा चैनल भी हमारा ड्रॉ हो गया। तो जब भी दोस्तों हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन को, तो हमें थोड़ा से पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो पॉइंट हमारे एक्यूरेट होने चाहिए, जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि ट्रेंड लाइन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। जितने पॉइंट्स आपके ट्रेंड लाइन में टच करेंगे, उतना ही ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ओवरऑल कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, जिसमें हमने चैनल ड्रॉ किया जो कि एक फ्लैग था, इसे आप डिसेंडिंग चैनल कह सकते थे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्राइस का, ऊपर गया, डबल टॉप मारा, नीचे आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ से रिवर्सल हुआ, यानी कि फिर से ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड में था, फिर प्राइस अप ट्रेंड में गया, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड पकड़ लिया। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा, देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाता हुआ ऊपर चला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो मोमेंटम है, होता क्या कि जब प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ चला जा रहा है, एक मोमेंटम पकड़ के चला जा रहा है, ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि ट्रेंड उसका चेंज नहीं हो रहा है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये असेंडिंग चैनल है जो मैंने ड्रॉ किया है। असेंडिंग चैनल हमेशा एक तरह से बेयरिश चैनल होता है, यानी कि 80% चांस होते प्राइस नीचे ड्रॉप हो जाता है, 20% चांस होते ऊपर प्राइस ब्रेक कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो ट्रेंड बना हुआ है वो हायर हाई बना है, यानी कि हाई हाईएस्ट पे गया प्राइस, हायर लो बना यानी कि इस लो से ऊपर लो बनाया, तो हायर लो हो गया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, तो ये इस मोमेंटम में प्राइस चलता जा रहा है। अगर इसके बाद लोअर लो बनाता है, उसके बाद फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई, अगर ये मोमेंटम पकड़ा रहता है प्राइस, तो प्राइस ऊपर ही चलता चला जाएगा। लेकिन अगर किसी समय जैसे यहाँ पे हायर हो, जैसे यहाँ पे हायर लो नहीं बना पाया और लोअर लो बना दिया इसने इस प्राइस के नीचे, और फिर जब उठा प्राइस, फिर लोअर हाई बनाया, तो प्राइस और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब तक ये ट्रेंड मेंटेन है, तब तक हम प्राइस को ऊपर जाते हुए देखेंगे। अभी देख रहे थे प्राइस नीचे जो ड्रॉप हुआ था, उसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए कि प्राइस ड्रॉप हुआ तो वो हमें चार्ट इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से गिरने वाला है। कैसे करेगा आप, इसके लिए RSI को भी इसके चार्ट के साथ देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं नीचे RSI है और ऊपर प्राइस है। तो हमें RSI कहाँ पे हेल्प करता है, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, इसको भी देखने में काफ़ी मदद करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डाइवर्जन बना है, वो भी बेयरिश डाइवर्जन। तो देख रहे हैं प्राइस, अगर बात करें तो ये यहाँ से अगर देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ प्राइस की मूवमेंट हो रही है, यानी कि यहाँ से अगर बात करें, अगर इस लेवल पे हम कर्जर को रखें, अब नीचे और ऊपर दोनों तरफ पिक्चर देखेंगे, यानी कि ये प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में गया, ऊपर की तरफ गया, और इसी लेवल से मैंने जब माउस रखा था, अब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि दोनों में डाइवर्जन है। यहाँ से RSI दिखा रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा, और प्राइस दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो दोनों ही डाइवर्जन में हैं। ये बेरिज डाइवर्जन कहते हैं इसे, ये दोनों ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि इसे बेरिज डाइवर्जन कहते हैं। जब बेरिज डाइवर्जन आपके चार्ट पे दिख जाता है, इसका मतलब है प्राइस गिरने वाला है। तो प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ था, आप देख रहे हैं पहले काफ़ी तेज़ी थी, वे प्राइस गिर गया। तो इस तरह से आप RSI से रिलेट कर सकते हैं प्राइस को, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्राइस में गिरावट आने वाली है, यानी कि बेरिश डाइवर्जन तो कहीं नहीं बना है या बुलिश डाइवर्जन तो कहीं नहीं बना है। ये सारी चीज़ें आप RSI से देख के चेक कर सकते हैं प्राइस के अंदर। आवर फोर के चार्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे जो प्राइस गिरा था वो क्या पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस डबल टॉप बना के प्राइस नीचे आया, देख रहे हैं प्राइस ये गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, फिर प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो गया। अब डबल टॉप का रेटेस्ट लेवल, अब डबल टॉप का रेटेस्ट लेवल कहाँ से चेक कर सकते हैं, ये हमें फिबोनाची इसकी हेल्प करता है। तो हम पहले फिबोनाची लेवल ले लेते हैं। यहाँ से जब प्राइस ऊपर जा रहा था, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट पर हमने रखा और यहाँ से हमने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया।
और यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ फिबोनाची पे हमने ये लगा दिया, ये फिबोनाची हमारा ड्रॉ हो गया। अब क्लियरली देख पा रहे हैं जो फिबोनाची का रीटेस्ट लेवल होता है वो होता है 0.786 के लेवल पे प्राइस रीटेस्ट करता है, यानी प्राइस नीचे से गया ऊपर गया, डबल टॉप मारा और प्राइस इस लेवल तक मोस्टली आता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया कि 0.786 के लेवल को टेस्ट करता है लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर आके वापस हो गया। और ये जो लेवल्स होते हैं 0.618 और 0.50 ये गोल्डन रेशियो होते हैं। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो यहाँ से प्राइस उछाल लेता है, यानी प्राइस में पंप आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, तो देख रहे हैं प्राइस नीचे से ऊपर आया और जहाँ पे जहाँ ये 618 के लेवल पे आया प्राइस, यहाँ से प्राइस में अभी तेज़ी देखने को मिली आज के चार्ट के अंदर। उसके बाद अभी भी 0.618 के अच्छे लेवल पे है, यानी कि हम इसको गोल्डन रेशियो में प्राइस है, यानी कि प्राइस में अभी तेज़ी आ सकती, उछाल आ सकता है। 0.50 के लेवल है, इसके ऊपर भी प्राइस अगर क्लोज होता है तो भी हम अच्छा उछाल दे सकते हैं। तो ओवरऑल अभी की बात करें तो प्राइस में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी ट्रेंड भी इसने कंटिन्यू रखा हुआ है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, जब तक ट्रेंड नहीं ब्रेक होता तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइस आगे जा सकता है। और यहाँ से डबल टॉप का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से प्राइस रिवर्स होके अब प्राइस भी पुल बैक कर रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये छोटी सी टेक्निकल एनालिसिस थी जो कि मैंने आपको सच में बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो चार पॉइंट्स बताए थे जिनके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करनी है, वो चार पॉइंट अपने समझ लिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अकॉर्डिंग आप आगे एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और किसी कॉइन के ऊपर अगर आपको एनालिसिस चाहिए, और मैक्सिमम लोग अगर कमेंट सेक्शन में मुझे उस कॉइन के बारे में बताएंगे तो मैं डेफिनेटली लेटेस्ट वीडियो उनके लिए ज़रूर बनाऊंगा, इतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। अगर एक कॉइन के ऊपर मैक्सिमम क्वेरी आती है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर से किसी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।